हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स का हमारा सेशन चलता है, तो आज के सेशन में हम इस इकोनॉमिक के सेशन में देखने वाले हैं बजट को। और इस सेशन का मेन एम ही है, मेन एम जो है, जो कि मैंने हर वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स का बताया है, इतने भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इकोनॉमिक्स को लेकर के, इकोनॉमिक्स के बेसिक चीजों को लेकर के जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो सब स्टूडेंट्स में आए, ताकि जब भी वो एडवांस चीजों को पढ़े तो उनको सब कुछ समझ में आए कि क्या होती है चीजें। तो मेन एम तो वही है, पहले हम जितने भी बेसिक है सबकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग डाइवर्स टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, करेंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे, सो दैट कैन बी हेल्पफुल। सो आज हम लोग देखने वाले दैट इज बजट। तो देखिए, आपको समझ रहे हो बजट होता क्या है। मान के चलिए आपका घर है, ठीक है, दिस इज योर होम। तो होम में आप एक प्लानिंग करते हो कि भाई इस साल हम लोग कितना खर्चा करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे खर्चा, दैट इज कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, और इस खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वेयर फ्रॉम वेयर मनी विल कम। सबके घर में प्लानिंग होता है किसी फंक्शन को लेकर कि क्या कितना खर्चा है, कहाँ से पैसे आएंगे। तो घर में भी हम सब करते हैं, जो मनी जहां से आती है दैट इज कॉल्ड रिसीट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर मनी कम, कहां से मनी आएगा, दैट इज रिसीट्स, और कितना हम लोग मनी खर्चा करने वाले, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो कहां से पैसे आएंगे और हम लोग कितना खर्चा करेंगे, जो वो प्लानिंग करते हैं हम लोग, दैट इज व्हाट ए बजट इज। सेम ये तो घर का बजट हो गया, सेम उसी तरह गवर्नमेंट का बजट है। अगर हमारी गवर्नमेंट है तो उनको प्लान करना होता है पूरे साल के लिए कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसे आएंगे, फ्रॉम वेयर रिसीट्स विल कम, और कहाँ कहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर करना है, वेयर वी हैव टू डू द एक्सपेंडिचर, किसके सेक्टर में एक्सपेंडिचर करना है। तो यही जो जिस तरह से घर में प्लानिंग होती है, उसी तरह से गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती है, जो गवर्नमेंट अपने प्लान को लेकर के आता है, दैट इज व्हाट बजट इज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बजट होता क्या है। इससे इजी लैंग्वेज में आई डोंट थिंक कोई समझा पाया है कि दिस इज व्हाट बजट, इसी को हम लोग बजट कहते हैं। अब देखिए, बजट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल 112 है, इट डील्स विद द बजट इन यूनियन गवर्नमेंट, बजट इन यूनियन गवर्नमेंट। एंड आर्टिकल 202 deals with budget in state government, और इस article 122 को हम लोग और क्या बोलते हैं, annual financial statement। budget सीधा नहीं लिखा हुआ है, constitution में लिखा क्या हुआ है, annual financial statement 202 article 202 deals for state government and sorry यहाँ पे गलत मैंने लिख दिया, 112 not 122 112 deals with budget in union government। So I hope you understand, 112 deals with budget in union government and 202 deals with the budget in state government। अब हम बढ़ते हैं बजट को, क्या क्या बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की और रिसीट की, रिसीट और एक्सपेंडिचर की। तो जो आप बजट रखोगे, तो बजट जो डिवाइडेड है इन टू पार्ट, एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। और फिर अगर एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को डिवाइड करो, एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तो रिसीट भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो अब आपको यह समझना होगा कि कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या होता है। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होता है कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कैपिटल क्या होता है, जब हमारे पास एसेट, एसेट एंड लाइबिलिटी में चेंज हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। व्हेन देयर इज चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, देन इट इज नोन एज कैपिटल। और जब कोई चेंज ना हो,
जब हमारे एसेट और लाइबिलिटी में कोई चेंज ना हो, नो चेंज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, देन इट इज कॉल्ड रेवेन्यू। अब कैसे एसेट और लाइबिलिटी में चेंज, क्या मैंने बोला कैसे समझोगे आप, वो जब मैं आपको समझा रहा हूँ, अब जस्ट आप समझोगे जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट समझाऊंगा। बस आप ये भी समझने के लिए समझोगे, जब भी एसेट में चेंज हो, ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी में, तो उसको कैपिटल कहते हैं, और जब भी चेंज ना उसको रेवेन्यू कहते हैं। जैसे चलिए समझते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल रिसीट क्या होता है। मान के चलो आपके पास एक लैंड, ठीक है, एक लैंड, तो इसको बेच करके, ठीक है, इस लैंड को आपने बेच दिया 500 रुपए में, ठीक है, इसको बेच के आपको ये 500 रुपए मिल गया। तो इस लैंड को जो हमने बेचा, ठीक है, समझने की कोशिश की, तो इस लैंड को बेच करके जो क्या मिला हमें, मनी, क्या मिला हमें, रिसीट। सो दिस इज व्हाट कैपिटल रिसीट इज, कि हमें क्या मिला, यहाँ पे हम लैंड को बेच के हमें क्या मिल रहा है, ये मनी मिल रहा है, रिसीट मिल रहा है। इसको हम लोग अब एक्सपेंडिचर कर सकते हैं जहां भी हमें जरूरत है, और पर हमारे क्या हो रहा है, लैंड बिक रहा है, यानी कि लैंड क्या था, हमारा एसेट था, और एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। समझ गए आप? तो कैपिटल रिसीट में क्या होता है, हमारा एसेट डिक्रीज करता है, ठीक है, कैसे डिक्रीज करता है, या तो कहीं सेल ऑफ एसेट हो जाता है, या फिर डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीयूसी हो जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज, रिपेमेंट ऑफ लोन, प्रिंसिपल अमाउंट, अगर किसी को हमने लोन दिया हुआ है, ठीक है, वो हमको जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिपे कर रहा है, तो एसेट रही नहीं, जितना उसे रिसीट, दो साल के बाद उसने पे किया 10% था, 10 रुपए अराउंड पे करना था उसको इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट भी पे कर दिया, उसने प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दिया, तो दैट जो भी 100 रुपीज है, तो दैट इज नॉट नो मोर एन एसेट। अब उसको तो उससे हर साल 10-10 रुपए तो आना बंद हो गए, क्योंकि उसने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया। और देखिए, एसेट जहां डिक्रीज करेगी वहां क्या बढ़ रही है, लाइबिलिटी, कैपिटल रिसीट में एसेट डिक्रीज होगा, लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबिलिटी विल इंक्रीज। एसेट डिक्रीज कर रही है क्या, और क्या बढ़ रही है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। जैसे क्या लाइबिलिटी में क्या बढ़ रही है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, आप लिखो गवर्नमेंट बोरोइंग्स। सो ये चीज जो किसमें आ गई आपकी, कैपिटल रिसीट में। अब आ गई कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, इसमें क्या हो रही है, आपके एसेट बढ़ रही है, एसेट इज इंक्रीजिंग, और एसेट इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी डिक्रीज। अब देखो समझो, मान के चलो आपके पास अभी 500 रुपए है, ठीक है, आपने क्या किया, इस 500 रुपए का एक्सपेंडिचर करके एक लैंड खरीद लिया, ठीक है, आप चाहते तो इस 500 रुपए, जैसे यहाँ पे आपने लैंड को बेच करके 500 रुपए लिए, उसका पार्टी कर लिया, और आपके पास यहाँ से ऑप्शन था कि 500 रुपए से पार्टी भी कर सकते, पर आपने पार्टी नहीं किया, इस 500 रुपए से लैंड खरीद लिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर करके एक एसेट को जनरेट कर लिया, लैंड इज गोइंग टू बी एसेट फॉर यू, ठीक है, लैंड इज गोइंग टू गिव प्रोडक्शन टू यू, इट इज एन एसेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर करके हम लोगों ने एसेट बनाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, वहां पे सेल ऑफ एसेट था, यहाँ क्या है, परचेज ऑफ एसेट, एसेट परचेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं पर भी गवर्नमेंट कुछ पैसे को एक्सपेंडिचर करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रही है, कहीं बिल्डिंग्स बना रही है, रोड्स बना रही है, तो रोड्स और बिल्डिंग क्या है, एसेट काम होगी, प्रोविजनिंग ऑफ लोन, कहीं लोन दे रही है गवर्नमेंट, तो लोन क्या काम करेगा, एसेट काम करेगा, यहाँ पे तो लोन का रीपेमेंट हो गया कैपिटल रिसीट में, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या रहा, लोन एक्सपेंडिचर हो रहा है, हम भले 100 रुपया दे रहे हैं, पर दैट 100 रुपीज विल बी एक्टिंग एज एसेट, वो हमें हर साल इंटरेस्ट देगा, समझ गया। और जब यहाँ पे एसेट कम हो रहा है तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज कैसे हो रही है, गवर्नमेंट के पास हो सकता है कोई लोन होगा, तो उन्होंने लोन को रीपे कर दिया, यहाँ पे लोन ले रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन को रीपे कर रही है। देखिए, एक तो आप समझ गए कि आपने तो बेच के ले लिया, और दूसरा क्या है, आपको रिसीट चाहिए, तो रिसीट आप या तो अपनी जमीन को बेच के ले सकते हो, या तो किसी से लोन ले सकते हो, तो गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो किया, तो लाइबिलिटी बढ़ी ना, तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट या तो कहीं एसेट को यूज कर रही है, या तो मान लीजिए 100 रुपए था, 100 रुपए, या फिर 100 रुपए से कहीं रोड बना दे रही है, या तो 100 रुपए कहीं उसने कभी लोन लिया था, तो उस लोन को चुका दे रही है, तो इससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी
डिक्रीज हो रही है और एसेट बढ़ रहा है। री पेमेंट ऑफ लोन। तो यहां आपने क्या देखा, देयर इज चेंजेस इन एसेट एंड लायबिलिटी। यहां पे लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, यहां पे एसेट बढ़ी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए इसको क्या हमने बोला, कैपिटल, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसीव्ड हो। तो आप समझ रहे कैपिटल क्या होता है। अब बढ़ते हैं, देखिए रेवेन्यू पे। सबसे पहले बढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट पे। रेवेन्यू रिसीट में क्या होगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कैपिटल और लायबिलिटी, सॉरी एसेट और लायबिलिटी में तो कोई चेंजेज नहीं है, जो था पहले वही था, बस हम तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 100 रुपए जो हमने लिया हुआ था वो पहले से लिया हुआ ही है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि 100 रुपए हम लोग देकर अपना लायबिलिटी घटा रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं, बस हम लोग उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसमें कोई चेंज इन एसेट और लायबिलिटी नहीं हुआ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। लायबिलिटी एसेट में फीस दे रहे हैं, चालान दे रहे हैं, ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम हो रहा है, ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या, किसी कोई भी लायबिलिटी हमारी चेंज नहीं हुई। प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयूज, लेट मी थोड़ा सा चलिए ऊपर लिख देता हूँ। प्रॉफिट फ्रॉम पीएसयू, पीएसयू से प्रॉफिट हो रही है, पर क्या ये, जैसे पीएसयू से प्रॉफिट हुआ आप लोग से क्यों नहीं इंक्रीज हुई हमारी एसेट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुई उसको हमको फिर से देना भी तो है, जैसे ये रिसीट आई पैसा आई, फिर उसको एक्सपेंडिचर में हमें जो भी पेंशन सैलरी जो सब तो देना ही होगा ना। इसमें एसेट जो पीएसयू जो है हमारा वो घट बढ़ नहीं रहा, वो तो एसेट है, ठीक है ना, लायबिलिटी घट बढ़ रही, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम पेमेंट के तौर पर दे रहे हैं, तो कोई भी एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्विसेज, प्रॉफिट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्विसेज, ईएस मैंने लिख दिया, शॉर्ट में स्पेस नहीं थी, आप समझ जाओ इकोनॉमिक सर्विसेज। तो ये तो बात हो गई अब रेवेन्यू रिसीट्स की। अब बढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब इस देखिए रेवेन्यू रिसीट में क्या है, ये सब चीज क्या है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बढ़ते हैं हम लोग। वही इंटरेस्ट पेमेंट तो पहले हमने किया, इंटरेस्ट पेमेंट। सेकेंडली क्या, यहाँ पर जैसे इनकम हुई थी, प्रॉफिट कमाया था हमने, इसमें जो रिसीट के तौर पर आई थी, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, सैलरीज दे रहा है, सैलरीज दे रहे हैं, अलाउंसेस दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिसीट आई थी फ्रॉम प्रॉफिट्स, यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर हो गई सैलरीज, एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ। सब्सिडीज दे रहे हैं, ग्रांट्स दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। कोई किसी एसेट को मेंटेनेंस में एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एसेट, एम मींस मेंटेनेंस, आप समझ रहे हैं, शॉर्ट में लिख दिया हूं। तो ये चीजें थे, ये जो सारी चीज थी ये बजट की पार्ट्स थी, आप समझ गए। अब एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिसीट्स, रिसीट्स कहां कहां से आ रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर कहां कहां हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ गया, कैपिटल रिसीट समझ गया आप, ठीक है। रिसीट्स कहां से आए, पैसे कहां, या तो आपने एसेट कहीं बेच दिया, कहीं पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से गवर्नमेंट से पैसे लिए, वो गवर्नमेंट ने बोरो किया, तो सब रिसीट से पैसे आ रही है, उसको फिर हम एक्सपेंडिचर करें। तो आपको समझ गया कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, समय डिफरेंस समझ गए। सारी बजट की जो मेन कॉन्सेप्ट थी बजट की यही थी, बच्चों को यही नहीं पता रहता है, वो एक्चुअली क्या क्वेश्चन दे देंगे, कोई एक सेंटेंस, आप तो खैर वन वर्ड क्वेश्चन तो आने नहीं लगे, सेंटेंस को एक दे देंगे कि द रीपेमेंट द गिविंग ऑफ सैलरीज एंड पेंशंस कम इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता ही नहीं लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, आप तो इससे अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया तो पता रहेगा भाई, रिक्वायरमेंट ऑफ क्या, रिक्वायरमेंट सॉरी, हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, सैलरीज कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल में आ जाएगा, वो तो रिवेन्यू में, सैलरी से थोड़ी हमारी एसेट घट बढ़ रही है, समझ गए आप ये सारी चीज, ठीक है। सैलरी बस आपको एक्सचेंज में मिल रही है, ठीक है, एक्सचेंज में अकाउंट है, उसके एसेट तो कुछ नहीं, एसेट तो नहीं है कि सैलरी की जगह आपको जमीन दे रहे हैं, भाई दो बीघा जमीन ले लो, नहीं वैसे, तो ये सारी चीज आप समझ जाओगे। यहाँ से जो प्रॉफिट आई, जो यहाँ से हमने प्रॉफिट आया उसको हमने सैलरीज में दे दिया, ठीक है, तो एसेट में कोई डिक्रीज उक्रीज नहीं हुआ, कहीं भी लायबिलिटी हमारी बड़ी घटी, पर इसमें देख लो परचेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है, तो एसेट बना रहे हैं हम लोग। आई होप ये टेबल आप सबको अच्छे से समझ में आ गया, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल बजट लेक्चर, आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट।
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट जो बजट की बात करें तो उसमें, तो इसलिए आपको जानना चाहिए। तो ये इनिशिएट हुई थी कब, 2003 में, पर ये इफेक्टिव कब से हुई, 2004 से, इफेक्टिव फ्रॉम 2004, हालांकि इनिशिएट कब हुई थी, 2003 में ही। अब देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें एक पॉइंट है कि फिस्कल डेफिसिट हमारा, जिसे कि हम लोग बोरोइंग कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग आप इसको कह सकते हो, ये हमारा शुड बी रिड्यूस टू 3% ऑफ जीडीपी, इट शुड बी रिड्यूस टू 3% ऑफ जीडीपी। ऐसा नहीं किसी बोरो करते जा रहे हैं, बोरो करते जा रहे हैं, 3% ऑफ जीडीपी से कम होना चाहिए हमारा फिस्कल डेफिसिट। अब दूसरा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट जो हमको हमारा वो जीरो होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब ऊपर तो देखो जितना भी हम लोग रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, प्लस जितना इधर जनरेट कर रहे हैं, जितना हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उतना हमको सैलरी देना है। तो जब हम लोग इस रेवेन्यू रिसीट को माइनस करें, रेवेन्यू रिसीट को माइनस करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से, तो टोटल क्या होना चाहिए, जीरो। ऐसा नहीं कि निगेटिव में आ जाना चाहिए, पर क्योंकि देखो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या देना होता है, ग्रांट्स देना होता है सबसे, और ग्रांट्स काफी ज्यादा हाई अमाउंट में देना होता है, तो इसलिए ये बार बार क्या हो रहा था, निगेटिव में आ जा रहा था। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक तोड़ लगा कि इसको पॉजिटिव जीरो करना तो काफी मुश्किल है क्योंकि हमें हाई अमाउंट में ग्रांट देना होता है। तो उसके लिए एक चीज और आई, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो कि चल रहा है, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्रांट्स थी इसके वजह से क्या हो रहा था कि बार बार देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो बार बार रेवेन्यू रिसीप्ट जो है वो क्या हो जा रही थी, कम हो जा रही थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट को ग्रांट्स देना होता था इन हाई अमाउंट, तो निगेटिव में आ जा रहा था। पर इस एक्ट में क्या बोला जा रहा है कि भाई जीरो रखना है आपको, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक तोड़ निकाला कि भाई इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ले आओ, जिसमें कि ग्रांट्स को हटा दो, ग्रांट्स को हटा दोगे तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जीरो आ जाए। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और कॉन्सेप्ट हो आप जान लो, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो जो बोरिंग जो हमने की तो इंटरेस्ट भी उसी में जा रहा है, तो प्राइमरी डेफिसिट हो गया था, जो फिस्कल डेफिसिट से अगर आप इंटरेस्ट निकाल दो तो जो मेन अमाउंट बचा हमको, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। तो आई होप बजट्स के भी जितने ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे आपको समझ में आ गए होंगे, काफी मुश्किल से मैंने ये सब काफी ईजी लैंग्वेज में आपके लिए ये समझाया है, और आज के लिए ये इनफ है। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियो आप सबके लिए रेगुलरली बनाते रहें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।